और जब तक न होगा हमारे समस्याओं का समाधान, सीमांचल का कर देंगे चक्का जाम। क्या करेंगे भाई जनाबे शाहनवाज साहब? कहां बैठेंगे? चौकी में बैठेंगे। भाई जनाबे हाजी झारसपी साहब कहां बैठेंगे? महादेव दिगी में बैठेंगे। भाई अंजार नमी साहब कहां बैठेंगे? एलआरपी में बैठेंगे। भाई जनाबे रुकनुद्दीन साहब और हम कहां बैठेंगे? किशनगंज के एनएच में बैठेंगे। तो जब इन सड़कों पर बैठ जाएंगे तो इस सरकार का सीमांचल में पत्ता भी हिल पाएगा क्या? नहीं हिल पाएगा। लेकिन ये बात बोलो कि खाने काबा का इमाम हमारी नदी घरों को काट रही है, क्या वजह है? इसके माने गंगा में इंसान बसता है, हम क्या जानवर बसते हैं? वहां क्या मालिक बसता है? क्या हम गुलाम बसते हैं? हमारे साथ इंसाफ करना पड़ेगा। बोलो, गंगा नदी में एक पुल बनता है 15,000-16,000 करोड़ रुपये का, गंगा में 5-5 किलोमीटर पर पुल बन गया है और अभी फिर पुल बन रहा है। तो गंगा के में 5-5 किलोमीटर पर पुल और हमारी मटियारी घाट पर पुल नहीं, कौन है इसका जिम्मेदार? लोगों, अल्लाह ने वादा कर लिया है, ये रमजान उल मुबारक का महीना है। अकलियत के लोगों, जिन पर कुरान पर जिनका एतमाद है, मैं उनको कहता हूं, जो भाई दूसरे ग्रंथों के मानने वाले हैं उसके ग्रंथों में भी बात लिखी होगी। क्या कहा अल्लाह ने? इन अल्लाह ला युगयरो मा बिकौमिन हत्ता युगयरो मा बिअन्फुसिहिम। खुदा ने यह वादा कर दिया कलामे पाक में, जब तक कोई कौम अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार नहीं होगी, अल्लाह उसकी हालत नहीं बदलेगा। अगर आप अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार हैं, तो जहां सच न चले वहां झूठ सही लोग कहते हैं। हम तो कहते नहीं, हम सच को